का दिन मेरा एकदम स्ट्रेस भरा रहा यार, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भरा रहा। सुबह जैसे सोचे कुछ ना कुछ तो गलत होता ही था, और उसके बाद में प्रॉब्लम ये हो गया कि यार 3,000 रुपये का लॉस हो गया, 3,2700 के आसपास में लॉस हो गया एक गलती की वजह से। अब जानना चाहते हो गलती क्या किया मैंने, तो प्लीज़ बने रहना, शायद तुम्हारे साथ में भी होगा। तो इसकी वजह से एक गलती है ना, मेरी गलती है तो सीख लो, तो शायद तुमको आगे फ़ायदा मिलेगा। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आवाज़ नहीं आ पाएगी आपको, तो हम इस बारे में घर पे बात करेंगे। स्ट्रेसफुल डेज, पहले से पैसा आ गया मगर जो कुछ किया ही नहीं उसकी वजह से चले जाएँ तो दुख होता है यार, तकलीफ होती है। आपके पास में खाली 500 रुपये रहे और चले जाएँ, इट्स हैपनिंग। चलो कोई नहीं, इस बारे में हम घर पे बात करेंगे क्या सिनारियो है। हेलो, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो कि सब बढ़िया होगा। बट मेरे ज़िंदगी में कल का दिन बहुत बेकार था, बहुत ही बकवास था, जो कि मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं करके रखा था। मेरी ज़िंदगी में जो कल का दिन था वो बहुत ही बकवास था, एकदम घटिया था, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करके रखा था कि कल ऐसा कुछ हो जाएगा। और आप भी आएंगे तो शायद आप मेरी गलतियों से सीख लेना। ये सबके लिए नहीं है, ये जो स्मार्ट लोग हैं उनके लिए नहीं है, जो मेरे जैसे ढब्बू लोग हैं, जो लोग मतलब बोलते हैं ना यार लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जैसे कुछ करते हैं तो साला गलत हो जाता है उनके साथ में। मैंने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं किया, हाँ थोड़ा देर के लिए उदास हो गया था, सैड हो गया था, मतलब ज़िंदगी क्या चल रहा है, साला इधर पैसे कमाने के लिए आया हूँ और पैसे पे नुकसान हो रहा है, शिट क्या हो गया। अब सीख लेना यार मेरी गलती से, सो दैट आप कुवैत में आ रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, गल्फ में, कुवैत, ओमान, सऊदी, ये सिम कार्ड का इशू है और ये सिम कार्ड आपको लेना ही पड़ेगा, कौन सी भी कंपनी का हो, कौन सी भी। तो मैंने ले रखा है ओरिडो कंपनी का। तो सिम क्या होता है, मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है कल यानी 2 तारीख को, और मैंने आज के दिन 1 तारीख को रिचार्ज करवा लिया। मैंने चलो कल ख़त्म होने से पहले आज ही करवा लेते, फिर कौन जाएगा शॉप पे। आई यूज़ माई ATM कार्ड और मैंने 5KD का रिचार्ज मारा। 5KD ऑलमोस्ट होता है 1,250 रुपया। तो मैंने रिचार्ज मारा, भलाना भिमकाना ऑफर आया, ये आया, ठीक है, जैसे रिचार्ज मारा। बट मैंने जो गलती किया कि मैंने ना अपना इंटरनेट चालू रखा। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं इंटरनेट नहीं चालू रखूँगा तो हाउ कैन आई यूज़ माई इंटरनेट बैंकिंग विथ कैनेट। कैनेट एक ATM कार्ड होता है जिसको यहाँ पे कैनेट कहते हैं। तो मैंने यूज़ किया 5KD का अपना कार्ड, मतलब नंबर वम्बर डाला, और जैसे बोलते हैं ना इंटरनेट, अपन इंडिया में कहते हैं जियो के लिए यूज़ करते हैं सिम कार्ड, सेम वैसे ही सीन किया मैंने भी, कर लिया 5KD का। और भाई 5KD ख़त्म होने में 1 मिनट नहीं लगे और मेरे 1,250 रुपये ऑन द स्पॉट ख़त्म। ये तो पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो जो कि 3,000 रुपये के आसपास में मेरा कल लॉस्ट हुआ,
मैंने बोला चल ठीक है, फिर घर पे बात किया, मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। मम्मी बोली छोड़ जाने, तेरे नसीब में जितना था उतना तेरे को मिलेगा तो ज़रूर। और वो समझ लेना कि किसी को दे दिया या फिर समझ लेना नुकसान हो गया या गिर गया, ये मत बोलना जो तेरा ही नहीं था वो, ऐसा बोले। मैंने बोला चल ठीक है, मगर मम्मी एक झटके में 3,000 रुपया ऐसा ख़त्म हो जाना, एकदम मेहनत कर करके आप पैसा जमा कर रहे हो और सडनली ऐसा हो जाए तो फिर मुश्किल होता है ना। और दूसरी बात फिर मैंने क्या किया कि मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया, मैंने बोला व्हाई दिस इज़ हैपन टू मी जस्ट टेल मी। तो बोलती है कि यू जस्ट, वो लेडीज़ बोलती है कि यू जस्ट टर्न ऑन योर इंटरनेट। तो मैंने बोला कि यार मैं इंटरनेट यूज़ नहीं कर मतलब टर्न नहीं करूँगा तो कैसे मैं देखूँगा कि मेरा रिचार्ज हुआ कि नहीं, कैन सब, और रिचार्ज होने के बाद में चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको सीख ये है कि जैसे रिचार्ज करेंगे इंटरनेट अपना नहीं ऑन करना, पहले जो पैक आपने डलवा रखा है वो पैक को एक्टिवेट करना, फिर बाद में इंटरनेट चालू करना। अगर विदाउट एक्टिवेशन योर पैक तो फिर आपके जो भी रिचार्ज कराए रहेंगे एक मिनट में छू हो जाएगा भाई। वो 5 KD जब गया ना, दिल को ऐसा वो मेरा बहनी मेरा लगा कि यार मेरा 2 हफ्ते का मतलब मेरा मिल का पैसा चला गया। तो फिर तो मेरी मिल कैसे भर भर के कॉफ़ी आ जाती थी। फिर इसके बाद में जब कस्टमर केयर से बात हो गया, बोले कि मैंने आपका टिकट रेस किया हुआ है, फलाना ढिमकाना ये सब कुछ नहीं, मतलब सब बकवास है भाई, सब बकवास है। फिर भाई कोई भी सिम कार्ड ले लो, मैंने रिकमेंडेशन दिया था ओरिडो का, मगर आप कोई भी सिम कार्ड ले लो, ये गलती मत करना, नहीं तो सब सिम कार्ड में ऐसा ही सिनारियो, एक बार रिचार्ज कर दिया आपने तो ख़त्म, कहानी ख़त्म, ना वो वापस आने वाला है ना ही जाने वाला है। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो बोले कि सर आपके लिए ऑफ़र चालू है मेरा। फिर अगेन मैंने बोला ठीक है मैडम, पहले मेरा ये जो ख़त्म हुआ उसका बताओ। बोली सर वो तो कुछ नहीं हो सकता है, मगर आप देख के रिचार्ज करो। बोले कि मैंने बोला कि मैंने कोई भी इंटरनेट सेवाएँ यूज़ नहीं की है। तो बोलती है कि मैं यहाँ से डीएक्टिवेट करती हूँ मोबाइल डाटा सेवा, जब तक आपका इंटरनेट मतलब वैल्यू पैक रहेगा तब तक आप यूज़ करते हो इंटरनेट, और उसके बाद में यूज़ नहीं कर पाओगे। मैंने बोला हाँ जल्दी एक्टिवेट करो, जल्दी जल्दी, अगर मैं इंटरनेट चालू करूँ और मेरे पास में बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस है भी तो वो कटना नहीं चाहिए, और क्योंकि इंटरनेट का पैक अलग होता है यहाँ पर। तो ये करने के बाद में ना फिर मैडम ने बताया 8 KD का आप रिचार्ज मारो। फिर मैंने 8 KD का रिचार्ज मारा और क्या हो गया पता है क्या, डायरेक्टली 8 KD के बाद में सीधा कट गया, बचा 3 KD और 5 KD का ही रिचार्ज हुआ, जिसमें मेरे को मिला 300 GB और 500 लोकल मिनट कॉल, और मैसेज वैसेज कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, 300 GB 500 लोकल कॉल मिनट मिला। तो वो मेरा चल ठीक है, मगर जो 8 KD का मैडम बता रही थी वो मेरे को मिलने वाला था 90 डेज़ के लिए और ये 30 डेज़ के लिए वापस है। और 3 KD जो मेरा बचा हुआ है ना, मैंने 8 KD का रिचार्ज मारा था, अब वॉलेट में 3 KD बचा हुआ है, अब वो 3 KD मैंने 31 जुलाई के पहले नहीं यूज़ किया तो वो भी अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, 5 KD वो ख़राब हुआ, 3 KD अभी ये फंस गया है, 5 KD का रिचार्ज करा लिया, सोचा था 90 दिन मिलेगा, मिल रहा है 1 महीना, मतलब पूरा इशू हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, आज वापस से कॉल सेंटर में फ़ोन करूँगा और बात करूँगा, फिर उनको बोलूँगा व्हाई दिस इज़ हैपन टू मी अगेन, आई जस्ट रिचार्ज फॉर 8 KD फॉर 90 डेज, देन व्हाई आई गॉट 30 डेज फॉर 5 KD, व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट एक्टिवेटेड एनी सिंगल ऑफ पैक। उसको आज बात करा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब देखते हैं फिर क्या सिनारियो है। अब बाकी सब अब वही जाने यार, अगर मेरे नसीब में आना रहेगा तो आएगा, नहीं तो कोई नहीं। तो ये था मेरी लाइफ का फेलियर, आप मेरी लाइफ से क्या सीखे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आओगे तो कौन सा सिम कार्ड लेना है, 3 सिम कार्ड है, जैन, ओरिडो, STC, कोई भी ले लो। अभी मेरे मैनेजर ने जैन लिया, ऑनलाइन मंगवाया, वो कह रहे हैं कि यार जैन 6 KD का पड़ता है, हर महीने मेरे को 100 GB मिलता है और 100 लोकल कॉल इंटरनेशनल होता है, 100 लोकल कॉल होता है और 100 इंटरनेशनल कॉल होता है, जो कि आप इंडिया, इजिप्ट, कहीं पे भी वर्ल्ड में 100 मिनट बात कर सकते हैं 1 महीने में। तो ये बेनिफिट मेरे को थोड़ा अच्छा लगा यार, सडनली मैं समझ लो व्हाट्सअप कॉल घर पे नहीं लग रहा है तो डायरेक्टली सिंगल कॉल ठोक दिया। तो आप देख लो अपने हिसाब से, ऑफ़र पता कर लेना, जब आओगे पूछ लेना क्या मिलता है कितने का, बस। तो आई होप तो कि मेरी लाइफ से, मेरे इस सिनारियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।
तब तक के लिए आपका दोस्त आपको थैंक यू बोलता है, सलाम बोलता है, बाय बाय बोलता है। बाय बाय यार, चलो जो हो गया सो हो गया, आप क्या करो यार। अफसोस हुआ था 2 घंटे के लिए, बुरा फील हो रहा था यार। एक तो इंटरनेट नहीं था मेरे पास, मैं घर पे बात करना था। ऐसा लगता है यहाँ पर बिना इंटरनेट के लाइफ ही नहीं है, नई लाइफ है। और जी हाँ, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए फॉलो कर लीजिए, कोई सवाल जवाब होगा तो जरूर देना। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं।